102 नंबर वाली एम्बुलेंस है ये, वो साहब ने दी है और तोपे साहब से भी मेरी बात करा है। आपकी वजह से जो का गाड़ी हमारे हॉस्पिटल को दे दी है, उसके वजह से मैं आपका सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आने के बाद जो भी यहाँ से तकलीफ पहले तकलीफ की कंप्लेंट थी वो मेरे ख्याल से काफ़ी कम रही है, कोविड के हिसाब से ही रहेगा। अभी राष्ट्रवादी के हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पवार साहब को मुबारक देता हूँ। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए और खासतौर से भिवंडी के लिए उन्होंने सोचा कि कोरोना जैसी महामारी में हमारे पास एम्बुलेंस की कमी थी, उन्होंने एक अच्छी फोर्स कंपनी की नई एम्बुलेंस दी है। मैं उनका तहे शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मौर्य साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे लेखी में दीजिए, हम लोग अपने मंत्री जी को अपने लेटर के जरिए मिल। एम्बुलेंस हमारी सरकार ने दिया है आईजीएम के लिए, तो मैं सबसे पहले सरकार की शुक्रिया अदा करता हूँ और भिवंडी शहर के तमाम जनता से ये अपील करता हूँ कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये आईजीएम एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, ताकि जो लोग कलवा और मुंबई का सफ़र कर रहे हैं वो इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। राजेश टोपे साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भिवंडी के ऊपर ध्यान दिया। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तो मैं राजेश टोपे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए, ना कि सिर्फ भिवंडी के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए 500 एम्बुलेंस डोनेट किया है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ जिस तरीके से मेरी सुबह में बात हुई थी वैभव काले सर से, उनके पीए से, तो उन्होंने बताया था कि 200 बेड होने वाला है। स्टाफ का प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है तो इंशाल्लाह हम लोग आईजीएम के लिए बढ़ चढ़ कर मेहनत करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। रईस शेख साहब की अगर कोशिश से आई है तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर मेरी बात राजेश टोपे साहब के पीए से हुई तो उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में डोनेट किया गया है 500 एम्बुलेंस। अगर आमदार साहब ने मेहनत किया है तो अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और मेहनत सभी करना चाहिए भिवंडी के एक प्लेटफॉर्म में आके। जितने भी पॉलिटिकली लीडर है, नेता है, अगर सब मेहनत करेंगे तो भिवंडी का कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास होएगा। जो भिवंडी में एक एम्बुलेंस दी गई है और ये बताया गया है कि सिर्फ भिवंडी वालों के लिए ये भिवंडी में दौड़ेगी, तो किसी को मुंबई जाना हो तो उसके लिए एम्बुलेंस की क्या सुविधा? ये जो अभी मेरी बात हुई तो ये डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इसको दौड़ाने का परमिशन दिया गया है, तो हम लोग बात किए हैं। और किसी को अगर बाहर भी जाना रहेगा तो हम लोग कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर पंकज आसियास जी से मिलेंगे और उनमें हमारी बात रखेंगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कोविड की सिचुएशन में। लोगों को 10-10 हज़ार रुपये, अब 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये एम्बुलेंस का देना पड़ रहा है। और जिस तरीके से 102 नंबर में अगर फ़ोन करोगे तो आपको फ्री में एम्बुलेंस आएगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे मंडे ट्यूजडे को इंशाल्लाह कमिश्नर से मीटिंग करके और ये भी बात रखेंगे कि मुंबई तक आप एम्बुलेंस भेजने का काम इधर भिवंडी से की जाए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप इमाम अंसारी बात कर रहे हैं सर भिवंडी से? हाँ यस सर, बोलिए सर। हाँ नहीं, वो राजेश टोपे साहब ने जो एम्बुलेंस दिया है भिवंडी के लिए उसका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और आपने भी बहुत मेहनत किया है, आपका भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। और मैं राष्ट्रवादी पार्टी पूरी भिवंडी में जितने भी कार्यकर्ता है ये सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर कितना एम्बुलेंस दिया है सर टोटल महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में अपन ने अभी 500 एम्बुलेंस दिया है, अपने भिवंडी के लिए भी हमने एम्बुलेंस दिया है। बराबर सर, ये एक और एक समस्या है सर, इधर जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है ना, तो इधर के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है पंकज आचिया सर ने, तो भिवंडी में जो एम्बुलेंस चल रही है ना सिर्फ भिवंडी में चलने के लिए बोले और बॉम्बे के लिए लेके जाने मना किए, तो उसमें ना लोगों को 7-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया खर्चा होता है उनके जेब का। जरा सर, ये जो एम्बुलेंस है ना अपनी, हाँ, 102 नंबर की है। 102 102 डायल करना है आपको। 102 मगर अभी जो सर ये लोगों को फ्री में बॉम्बे में भी जा सकते हैं इससे? नहीं, अभी सब तरफ अपने एम्बुलेंस दिया है, ऐसा है, ऐसा फिर भी अपन कर सकते हैं अगर कुछ रहा तो इमरजेंसी में। बाकी सर मैं वेनेसडे थर्सडे को आके सर से मिलता हूँ, सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जरा भिवंडी के लिए सर कुछ करो सर, आपका हाँ आपसे निवेदन है, आप राजेश टोपे साहब को बोलिए कि भिवंडी में कुछ ना कुछ करिए सर। ठीक है सर, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एम्बुलेंस भिवंडी को दिया और भिवंडी के लिए और भी कुछ करिए सर। ठीक है, हाँ जरूर जरूर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।